अच्छा लगा इनसे मिलके, ताकि आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और आगे की जो वीडियोज हैं इनके चैनल पे आती रहेंगी अच्छे तरीके से। डोली निकल गई है आगे फाटा के लिए, तो आज विश्राम फाटा में होगा, जैसे कि मैं बार बार बता भी रहा हूँ आपको। दोस्तों पहुंच चुके हैं बाबा केदार की डोली भीमबली में, और ये पहला पड़ाव है जहाँ पे डोली पहुंची है, और यहाँ पे विश्राम की थोड़ी सी व्यवस्था है, तो यहाँ पे पहुंच चुकी है बाबा केदार की डोली। हर हर महादेव, जय श्री केदार, बाबा की दोस्तों अभी सोनप्रयाग में पहाड़ी किचन में हैं हम, और ये हमारा पहाड़ी किचन और शानदार सा, अभी चेयरें वगैरह फोल्ड कर रखी है, लेकिन जब यात्रा चलती है तो ये खचाखच भरा हुआ रहता है। और इधर किचन देख सकते हो आप, शानदार बना रखा है ये वाला किचन, देख सकते हो बहुत ही शानदार। तो जब भी यात्रा होती है तो इसमें आएँ आप और आनंद लें। तो दोस्तों अभी डोली निकल गई है आगे फाटा के लिए, तो आज विश्राम फाटा में होगा, जैसे कि मैं बार बार बता भी रहा हूँ आपको। तो अभी हमारा जैसे भी प्लान होगा तो आगे जाके आपको पता लग जाएगा कि हमें रुकना है फाटा में या आगे निकल जाएंगे हम। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल चाय की चुस्की लेते हैं, थोड़ा सा थकान लग चुकी है बहुत ज़्यादा वाली। क्यों भाई थकान लगी? जी सर बिल्कुल थकान लग गई है, और चाय की चुस्की तो लेनी है, अलग का चस्ती हो गया अभी जी। तो दोस्तों अभी हम मिल रहे हैं अभी पहाड़ी भाई यानी कि आलू राणा, और पहली बार मिल रहे हैं, तो आगे पहले कभी मुलाकात हुई नहीं, तो अभी अच्छा लग रहा है आपसे मिलके भी। जी जी। बाकी केदारनाथ भगवान जी की जो डोली है वो प्रस्थान कर चुकी है केदारनाथ धाम से उखीमठ के लिए। जी। ये भाई जी भी थे यात्रा में, और थोड़ा बहुत जान पहचान लगी है जो हमारे गाँव से है, इनके मतलब इनके साथ ही काम करते हैं, अच्छा लगा इनसे मिलके। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, और आगे की जो वीडियोज है इनके चैनल पे आती रहेंगी अच्छे तरीके से, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मिलते रहेंगे अभी, बाकी मिलते रहेंगे जरूर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाटा में, और फाटा से अब निकल रहे हैं आगे गुप्तकाशी के लिए। तो दोस्तों आपने पीछे देख लिया होगा कि बाबा केदार की डोली रामपुर में पहुंच चुकी है, और रामपुर से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे है, मतलब फाटा 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर है, और अभी पहुंचने वाली है फाटा में बाबा केदार की डोली। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गुप्तकाशी, तो चलते हैं फिलहाल। दोस्तों इतना भयंकर जाम लग रखा है कि क्या ही बताएं, और ये फाटा से आगे लगा हुआ है बहुत ही भयंकर वाला जाम, और पता नहीं क्यों लगा हुआ है, आगे जाके पता चलेगा कि क्यों लगा हुआ है। ये तगड़ा वाला जाम देख सकते हो आप, ओहो माय गॉड, ये तो बहुत भयंकर वाला जाम लग रहा है। शायद कोई चट्टान वगैरह जैसे भी है यहाँ पे साइड में, इसलिए आप
पे कटिंग का काम चल रहा है इसलिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है शायद। पत्थर पत्थर ना गिरे यार भाई, बहुत भयंकर हो रखा है, देख सकते हो बहुत ही भयंकर वाला जाम उधर से भी और इधर से भी। तो दोस्तों ये देख सकते हो पीछे चट्टान पे काम चल रहा है और बहुत ही भयंकर वाला जाम लगा हुआ है पीछे। तो चट्टान जेसीबी ने मतलब गिरा रही है, थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा कर रही है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा जाम लग रहा है बहुत ही भयंकर वाला। तो दोस्तों कल केदारनाथ से आने के बाद डोली के साथ आए थे और फाटा तक डोली आई और उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि दोस्तों बहुत ही भयंकर वाली थकान लगी हुई थी हमें और थकान के कारण हम डायरेक्ट यहाँ अगस्तमुनि कैंप में आ गए। कैंप की लोकेशन भी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो कैंप में आ गए थे और कैंप में आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी सुबह नहा धो करके गर्म पानी से, तो थोड़ा थकान उतर गई है, कल की थकान उतर गई है। तो देखते हैं आज अगर फिर से गुप्तकाशी जाना हुआ तो आपको डोली के दर्शन एक बार फिर दोबारा कराएंगे और ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाएंगे जहाँ गद्दी स्थल है बाबा केदार की, बाबा केदार का। तो देखते हैं दोस्तों, अभी क्लियर मैं कन्फर्म भी नहीं बता सकता लेकिन जाएंगे तो आपको ब्लॉग के माध्यम से पता लग ही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, मैं जा रहा हूँ थोड़ा अगस्तमुनि मार्केट में और उसके बाद फिर मुझे जाना है कहीं। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ, थोड़ा सा मंदिर में आया था यहाँ और मंदिर में पूजा भी थी, तो पूजा हो चुकी है जिसके लिए मैं वापस आया था गुप्तकाशी से, और पूजा हो चुकी है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी दूर है, कितनी दूर हम पैदल आए हैं और इससे भी मतलब ऊपर काफ़ी ऊपर है अभी और वापस आ चुके हैं हम। और नीचे दिखाता हूँ मैं आपको रोड, तो दोस्तों ये नीचे रोड है, यहाँ ये रोड दिखाई दे रही है, तो इस रोड से आए हैं हम ऊपर पैदल और यहाँ से भी काफ़ी ऊपर है, इधर ऊपर की तरफ इससे भी काफ़ी ऊपर है, मतलब यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर ऊपर है लेकिन अभी नीचे वाली रोड देख सकते हो आप, तो अप्रॉक्स 3 से 3.5 किलोमीटर ऊपर होगा। तो दोस्तों पूजा भी हो चुकी है तो अभी वापस जा रहे हैं हम। तो ऊपर जाते समय ऊपर जहाँ मंदिर है वहाँ तो अलाउड नहीं है फ़ोटो वगैरह लेना, तो इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अभी नीचे चलते हैं, घर में चलते हैं, तो घर में यानी कि अपने ससुराल में। दोस्तों यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता भी है और मान्यता यह है कि जो भी आप इच्छा यहाँ पे मांगते हो, अपनी मनोकामना मांगते हो, वो पूरी होती है। तो ये वैसे आपको यहाँ का अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हो वैसे। तो ये है बेसिकली शूर गांव के जस्ट इधर की तरफ है इसका मंदिर, तो आ सकते हो आप। दोस्तों आपको मैं बताऊँ, शूर आने का रास्ता आपको पता ही होगा, मेन अगस्तमुनि मार्केट से बसुकेदार की गाड़ी पकड़नी है और गंगानगर पुल होते हुए वो आपके बसुकेदार से, बसुकेदार वाले रूट पे आपको सीधे शूर गांव के जस्ट नीचे एक पुल पे उतारेंगे और पुल से थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, पैदल यात्रा करनी पड़ती है लगभग अप्रॉक्स 3 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर, तो उसके बाद आपका मंदिर आ जाएगा।